आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बलेनो लेके न्यू। और ये गाड़ी हमारे पास आज ये चौथी बार आ रही है। सबसे पहली बार ये वीडियो देखकर आए थे, उसके बाद फिर ये हमारे कस्टमर परमानेंट बन गए और ये जब भी इनकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो ये हमें याद करते हैं, यानी कि बाबा ऑटोमोबाइल को याद करते हैं। और आज इनकी गाड़ी के अंदर फिर एक बार, ये अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि इनको थोड़े से भी स्क्रैच अपनी गाड़ी पर बर्दाश्त नहीं होते। जैसे कि आप सामने ये देख सकते हो फेंडर पे थोड़ा सा स्क्रैचेज है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसको मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको पेंट करो और क्लीन करो। ऐसी ये डोर है जो जिस पर डेंट पड़ा हुआ है और ये पीछे क्वार्टर पैनल है, इसके ऊपर भी स्क्रैच पड़ा हुआ है। तो ये कल बता रहे हैं भैया कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी और किसी ने इसके ऊपर स्क्रैच मार दिए, तो आज रात को इन्होंने मुझे कॉल करा और आज सुबह सुबह ये जो है गाड़ी लेकर आ गया। अब ये शाम तक हमें ये गाड़ी कंप्लीट करके देनी है इनको। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को और अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं सब कुछ कि कैसे रिटर्न, ये चौथी बार हमारे पास दोबारा आई है गाड़ी। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं इसका आपको सारा प्रोसेस कि किस तरीके से हम काम करेंगे और कैसे इसको तैयार करते हैं। तो दिखाते हैं आपको अगला प्रोसेस। पेंटिंग का प्रोसेस चालू हो गया। सबसे पहले जहाँ पे डेंटिंग हुई होती है वहाँ पे रेगमाल मारा जाता है, तो इस पे रेगमाल मार दिया है और अब डोर पे रेगमाल मारा जा रहा है। उसके बाद जो है क्वार्टर पैनल पे मारा जाएगा, फिर इसके अंदर बॉडी पिलर वगैरह भरा जाएगा। तो और आज ये उदयवीर साहब जो हैं लगे पड़े हैं हमारी इस गाड़ी को करने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, दिखाते हैं आपका इसको सारा प्रोसेस। भरा था, अब उसकी रगड़ाई चालू हो चुकी है और प्लस जो बाकी पैनल पेंट करना है उसके ऊपर रफ मारा जा रहा है। और जब किसी पैनल के ऊपर स्क्रैचेस ज़्यादा नहीं होते हैं, खाली पेंट ही मारना होता है, तो उसके ऊपर 1000 नंबर का रेगमल हम यूज़ करते हैं जिससे पेंट ख़राब ना हो और खाली पेंट की चमक डल पड़ जाए और फिर जब हम इसके ऊपर दूसरा पेंट मारें तो उसकी पकड़ मजबूत रहे। तो ये सारा काम जो है सिर्फ आपको बाबा मोटर पर ही मिलेगा और ये काम करना और कराना, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती हैं क्योंकि मैं भी अपने पेशे से, यानी कि मैं भी पेंटर ही हूँ और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम काम देते हैं। उसी का कारण है कि ये गाड़ी फिर से चौथी बार हमारे पास काम के लिए आई है। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, कुछ भी दिक्कत होती है तो ये भैया हमें याद करते हैं अपनी गाड़ी के पेंट के लिए या डेंटिंग के लिए। और बाकी बने रहे हमारे साथ वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस अगले स्टेप में। के बाद इसके ऊपर पट्टी भर दी गई थी और जब तक पट्टी सूख रही है तब तक इसकी जो है मास्किंग करी जा रही है, पेपर से इसको ढका जा रहा है। तो ये इधर भी पट्टी भर दी है और ये बीच का पैनल है तो हमने सोचा इसके अंदर भी छोटा सा स्क्रैच है एक, ये रहा, तो इसको भी हम इसी के साथ ले लेंगे ताकि कलर और सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर मैच हो जाए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हाय माय यूट्यूब फैमिली और मेरे यूट्यूब फैमिली को, मेरे व्यूवर्स को, सबको हैप्पी होली और मेरे जितने भी यार दोस्त मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की तरफ से हैप्पी होली। और ये त्यौहार रंगों के साथ हर साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी आए और नई नई खुशियां लेकर आए। तो सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। का प्रोसेस कटाई का चालू हो चुका है, फेंडर की पट्टी कट गई है, इधर डोर की भी पट्टी कट गई है और मास्किंग आप देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके से मास्किंग कर रहे हैं इसकी। हर बार यही बताया जाता है कि मास्किंग जो है बहुत अहम होती है डेंटिंग पेंटिंग के काम में। और आज जो है बालाजी पेंट वाले मुकेश भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये बड़े गौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ पेंट करवाई जा रही है। और आज ये तैयारी में भी है क्योंकि आज होली का दिन है, तो शाम को पार्टी वार्टी का भी इन्होंने बंदोबस्त कर रखा काफ़ी तगड़ा वाला। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। मैचिंग के लिए जैसे पेंट हर बार हम मैच करवाते हैं तो इस बार खुद मुकेश जी आए हैं बालाजी पेंट से और ये साथ में सोनू मैचर, ये बिल्कुल इनके राइट हैंड है कि जहाँ जहाँ मुकेश जी होते हैं वहाँ पे सोनू जी अपने आप पहुँच जाते हैं। तो अब इसका कलर मैच करा जा रहा है, उसके बाद गाड़ी पूरी तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है फाइनल प्रोसेस के लिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा काम, हम किस तरीके से इसको पेंट करते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं। जो पहले पट्टी भरी थी उसके ऊपर अस्तर मारा जा रहा है कवरिंग करने के लिए और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है रफ मारा जाएगा, इसको प्रॉपर तरीके से फिर चिकना करा जाएगा और फिर लास्ट में इसमें फाइनल पेंट डलेगा। तो
पिछले क्वार्टर पैनल और दरवाजे पर अस्तर लग रहा है और फिर इस फेंडर पे लगेगा और फाइनली फिर गाड़ी पे फाइनल पेंट लगेगा। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से इस वीडियो में। तो गाइस इसके अंदर अस्तर मार दिया गया था, अब जो है डायरेक्ट फाइनल कोट मारा जाएगा और मास्किंग सारी हमने प्रॉपर कर ली है, साइड मिरर ढक लिया है, फेंडर ढक लिया है, फेंडर के आसपास का हिस्सा सारी चीज़ें ढक ली है और अब इस पर फाइनल पेंट मारा जा रहा है। और आज जो गाड़ी पेंट कर रहे हैं इनका नाम उदयवीर है और ये भी कारीगर बहुत अच्छे हैं और इतनी बारीकी से एक एक लाइन एक एक सारी चीज़ें, तुम्हें पता ही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल गहराई से उसकी तह तक जाते हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए काम करते वक्त। तो ये सारा काम आपको मिलता है पता ना कहाँ पे, बताऊँ, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। ये है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, आपकी और हमारी वर्कशॉप। तो गाइस फाइनली इसमें क्लियर कोटिंग चालू हो चुकी है, हमने पहले फेंडर पे क्लियर मारा है एक हाथ, फिर उसके बाद दरवाजे पे मार रहे हैं, इस तरीके से पूरी साइड पे मारा जाएगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम पेंट के तीन हाथ मारते हैं, तीन हाथ मारने से ये होता है कि जो हम ओपन में पेंट कर रहे हैं अगर डस्टिंग कुछ आती भी है डस्ट वगैरह, तो जब हम इसका रफ मार के इसको काटते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और फाइनली इसकी जब चमक दिखेगी तो आपको दिखाएंगे, बने जाए हमारे साथ इस वीडियो में। और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। और ये पता है किसकी वर्कशॉप है आपको पता है ना, ये पहले आपकी है फिर उसके बाद मेरी है, मेरी बोले तो मुकेश की। तो गाइज फेंडर के ऊपर दूसरा हाथ मार दिया गया है और अगले दरवाजे पे भी दूसरे हाथ की तैयारी हो रही है, तैयारी के आधा मार दिया आधा मारा जा रहा है और इसी तरीके से पीछे भी और दो दो हाथ मारे जाएंगे। और शाइनिंग तो देखने से बनती है कि क्या गजब का काम होता है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे। और अगर आपको भी हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारे पास आ सकते हैं, और या फिर अगर आप कहीं दिल्ली से बाहर से हैं तो आप हमसे पूछें कि किस तरीके से आया जाएगा, क्या सिस्टम रहेगा, तो वो भी मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको एक बार और दिखाते हैं कि जब तीसरा हाथ मारा जाएगा तो क्लियर और गाड़ी में कितनी और शाइनिंग आएगी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, इसमें जो है तीन तीन हाथ क्लियर लग चुका है और शाइनिंग आप देख ही सकते हैं क्या ज़बरदस्त बेहतरीन शाइनिंग आ रही है। और उसके बाद जो है जब ये आएगी हमारे पास 48 घंटे के बाद जब हम इसकी रबिंग करेंगे, तो जैसे हर बार आपको चमक दिखाते हैं उसी तरीके से फिर हम इसकी चमक दिखाएंगे। तो अब एक बार फाइनल आपको लुक और दिखाएंगे जब इसके पेपर हट जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और आज होली का दिन है तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, परिवार है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और ये होली आपके लिए कलरफुल रहे और हर बार आपके घर में होली पे खुशियाँ आती रहे। बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि कभी बोला नहीं ना किसी को, लेकिन अब बोल दिया। तो लास्ट में दिखाएंगे एक बार पेपर हटने के बाद वीडियो, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। फाइनली ये गाड़ी तैयार हो चुकी है और पेंट का काम आप देख ही सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। अभी हमारे पास रबिंग के लिए आएगी 48 घंटे के बाद। अगर मौका लगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और अगर नहीं लगा तो फिर भाई उसके लिए सॉरी। तो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और एक बार फिर दोबारा बोलना चाहूँगा आप सबको मेरी तरफ से और बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की तरफ से हैप्पी होली। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।